तो लास्ट एपिसोड में आप लोगों ने देखा होगा कैसे हीरो ब्राइन और एंडर ब्राइन ने एक खतरनाक सी प्लानिंग बनाई थी, और उसके बाद हीरो ब्राइन हमें लेकर जाता है अपने पुराने वाले वर्ल्ड पर, जहां पर एनटीटी 303 और नल ने अपनी बेस बनाई हुई है। और उसके बाद एंडर ब्राइन एनटीटी 303 की बेस ढूंढने लगता है, तभी हमें कुछ ऐसा दिखता है जिसको देखकर हम लोग शॉक हो जाते हैं। हम लोग देखते हैं कि जीरो ब्राइन अभी तक भी जिंदा है और वो एनटीटी 303 और नल के साथ कुछ कर रहा था। और उसके बाद हीरो ब्राइन कैसे भी कर हम सभी को लेकर जाता है एनटीटी 303 के बेस पर, और वहां पर हम लोग पूरा टीएनटी से भर देते हैं एनटीटी 303 के बेस को, ताकि जैसे ही वो वापस आए तभी हीरो ब्राइन इन टीएनटीज को एक्सप्लोड कर दे। और ये सब काम करने के बाद हीरो ब्राइन और एंडर ब्राइन मुझे और एनटीटी 606 को कहते हैं कि तुम लोग कैसे भी कर वहीं पर जाओ जहां पर हमने एनटीटी 303 को देखा था, और कैसे भी कर उसे अपने पीछे लगाकर इस बेस तक लेकर आओ। तो गाइज एक बहुत बड़ी दिक्कत हो चुकी है, क्योंकि गाइज आपको तो पता ही होगा कि एनटीटी 606 और मैं गाइज जा रहे हैं एनटीटी 303 को अपने पीछे लगाकर यहाँ पर लाने के लिए। मगर गाइज एक ना दिक्कत की बात ये है कि गाइज एनटीटी 606 का कहना है कि वो लोग तीन बंदे हैं, मतलब गाइज जीरो ब्राइट एनटीटी 303 और नल, और गाइज इसीलिए एनटीटी 606 का कहना है कि वो लोग हमें जल्दी से जल्दी पकड़कर हमारा खात्मा कर देंगे। लेकिन गाइस एनटीटी 606 का कहना है कि उसके पास ना कोई ऐसी चीज है जिससे गाइस हम लोग जीरो ब्राइन को बचा सकते हैं, क्योंकि गाइस आपको तो पता ही होगा हीरो ब्राइन बेचारा कितना ज्यादा सैड हो गया था जीरो ब्राइन को जब छोड़कर जा रहा था। लेकिन ओके एनटीटी 606, पता नहीं गाइस ये इसके हाथ पर क्या चीज है, 606 ये कौन सी बो है और इससे क्या होगा। ओके गाइज मैं जल्दी से ये उठा लेता हूँ, लेकिन गाइज अभी ना मुझे एनटीटी 606 से पूछना पड़ेगा, भाई साहब इससे होगा क्या, इसने मुझे दे तो दिया लेकिन एनटीटी 606। ओके गाइज लगता है कि ये बता रहा है। तो ओके गाइज फाइनली एनटीटी 606 ने मुझे सब कुछ बता दिया इस बो के बारे में, और गाइज उसका कहना है कि इस बो से ना, लेकिन ओके गाइज एनटीटी 606 का कहना है कि हमें टाइम जाया नहीं करना चाहिए और जल्दी से जल्दी उस जगह पर पहुंचना चाहिए, ताकि गाइज हम लोग ना जल्दी से एनटीटी 303 को यहां तक लेकर आए। और गाइज एनटीटी 606 ने मुझे बताया कि इस बॉस से ना अगर तो गाइज हम लोग पहले जाते साथ ही जीरो ब्राइन पर अटैक करते हैं, लेकिन एनटीटी 606 यहां पर आओ, ये देखो भाई साहब पता नहीं किसकी बॉडी है, लेकिन गाइज ये कौन बंदा हो सकता है, ऐसा लगता है कि किसी एनटीटी ने इसका ना सर कच्चा चबा लिया। एनटीटी 606 क्या, ओके तो गाइज अभी ना 606 का कहना है कि तुम बिल्कुल भी इसे टच मत करना, क्योंकि गाइज ऐसा भी हो सकता है कि किसी ने ब्लैक मैजिक कर करना गाइज इस बंदे की बॉडी ऐसे ही छोड़ दी होगी, और गाइज अगर तुम ऐसे टच करता ऐसा भी हो सकता था कि वो ब्लैक मैजिक मेरे ऊपर आ जाता। लेकिन ओके गाइस जैसे ही इस बो से हम लोग जीरो ब्राइन को हिट करेंगे ना, तभी गाइस फौरन जैसे ही उसे एरो लगेगी ना, तभी गाइस वो गिरकर बेहोश हो जाएगा। और गाइस 606 का कहना है कि उसके बाद हम लोग एनटीटी 303 और नल को, मतलब गाइस अपने पीछे लगाकर उस बेस तक लेकर आ सकते हैं, और गाइस जीरो ब्राइन फिर बच भी जाएगा ऐसे अगर तो गाइस हम लोग ऐसा करते हैं। लेकिन गाइस आप लोग हमें कमेंट में बताना कि हमें जीरो ब्राइन को छोड़ना चाहिए या फिर गाइस उसे भी एनटीटी 303 के साथ लेकर जाना चाहिए, क्योंकि गाइस हीरो ब्राइन ना जीरो ब्राइन। तो ओके गाइस फाइनली अभी मैं एनटीटी 606 के साथ, मतलब गाइस उसी लोकेशन पर आ चुका हूँ जहाँ पर एनटीटी 303 और बाकी सब ना मैजिक कर रहे थे। ओके गाइस अभी तक भी वो लोग वहीं पर है, पता नहीं गाइस ये लोग लाल कलर की कैंप फायर जलाकर यहाँ पर क्या कर रहे हैं, लेकिन 606 क्या हुआ। ओके तो गाइस एनटीटी 606 का कहना है कि तुम ना मेरे पीछे पीछे रहना, और जैसे ही मैं बोलूं तभी जीरो ब्राइन के ऊपर उस बो से अटैक कर देना जो कि गाइस एनटीटी 606 ने मुझे दी है, और गाइस मैंने ना अभी एरो अपनी इन्वेंटरी के अंदर रख ली। ओके भाई गाइस मुझे छुप कर जाना होगा 606, संभल कर वो लोग हमें देख ना ले, अगर तो हमें वो लोग पहले देखते हैं ना भाई साहब हमारा तो काम हो गया। लेकिन ओके गाइस मुझे देखना पड़ेगा जीरो ब्राइन वहां पर है, 606 क्या हुआ। ओके तो गाइस इसका कहना है कि तुम जल्दी से उस पर अटैक करो, गाइस मुझे जल्दी से अपनी बो रेडी करनी होगी, और गाइस बोरा जीरो ब्राइन बस ये हिले ना अपनी जगह पर रहे। ओके एक मिनट गाइस वहां पर इतना ज्यादा ब्लड निकल गया, लेकिन क्या जीरो ब्राइन,
फाइनली गाइस एक ही एरो से जीरो ब्रायन बेहोश हो चुका है, लेकिन गाइस वो बस मरा ना हो, क्योंकि गाइस लगता है कि एनडीडी 303 और नल इधर उधर देख रहे हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है जीरो ब्रायन अचानक से बेहोश हो गया। ओके गाइस वहां पर देखो एनडीडी 303 और नल को, भाई सब चारों तरफ देख रहे हैं और गाइस जीरो ब्रायन ना जमीन पर लेट गया है। लेकिन एक मिनट एनडीडी 606 यार ये तुमने क्या किया? ओके गाइस लगता है कि ये ना उनको भगा कर अपने पीछे लेकर आ रहे हैं, और गाइस हाँ ये ना बिल्कुल सही कर रहा है क्योंकि गाइस हमें बिल्कुल ऐसे ही करना है, हीरो ब्रायन ने हमने ऐसे ही बोला था। लेकिन भाई साहब गाइस एनडीटी 606 तो पीछे फंस गया था, और गाइस 303 ना एनडीटी 606 के ऊपर अटैक कर रहा है, और गाइस मेरे ऊपर भी। भाई साहब हमें जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना होगा। लेकिन एक मिनट एनडीटी 606 यार तुम जल्दी से उसके ऊपर भी अटैक करो ताकि वो थोड़ा पीछे हो सके। भाई साहब ये तो हमारे बिल्कुल सर पर ही आ गया और हमारे ऊपर अटैक कर रहा है, लेकिन गाइस मुझे कैसे भी करके निकलना होगा। और गाइस वो वाला बायोम भी आ चुका है जहाँ पर हीरो ब्रायन और एंडर ब्रायन हमारा इंतजार कर रहे हैं टीएनटी लगाने के बाद। लेकिन गाइस आपको तो याद ही होगा ना, लेकिन भाई ओके गाइस मैं समुंदर के नीचे से जाता हूँ। फाइनली गाइस अभी ना हम लोग हीरो ब्रायन और एंडर ब्रायन तक पहुंच ही गए समझो, बस गाइस थोड़ा सा ही रह गया, और गाइस ये लोग अभी तक भी हमारा पीछा कर रहे हैं जो कि एक बहुत ही बढ़िया वाली बात है। और गाइस जैसे ही ये लोग अपनी बेस उस हालत में देखेंगे ना, जल्दी से अपनी बेस को बचाने के लिए जाएंगे, और गाइस जैसे ही वो लोग अपनी बेस को बचाने के लिए जाएंगे तभी गाइस हीरो ब्रायन पीछे से लिवर मतलब गाइस कुछ भी तो करेगा जिससे टीएनटी एक्सप्लोड हो जाएगी। ओके एक मिनट गाइस हम यहाँ पर आ चुके हैं, और गाइस वो रही उनकी बेस। लेकिन ओके ऐसा लगता है गाइस उन्होंने अपनी बेस देखी और गाइस वहीं पर जा रहे हैं वो लोग, लेकिन भाई साहब भी हमारे ऊपर अटैक भी करते जा रहे हैं। लेकिन हीरो ब्रायन एंडर ब्रायन गाइस एल्बर्ट तो पता नहीं यहाँ पर क्यों बैठा हुआ है ऐसे, और गाइस हीरो ब्रायन और एंडर ब्रायन कहाँ पर है मुझे एल्बर्ट से पूछना होगा पहले तो। पर जा रहे अपने बेस के पास, भाई साहब ऐसा लगता है कि वो लोग अपनी बेस को बचाने के लिए जा रहे हैं। लेकिन एक मिनट गाइस वो इतने ऊपर से मेरे ऊपर अटैक कैसे कर पा रहा है, अभी तो वो अपनी बेस पर पहुंचा भी नहीं, और गाइस वहां पर देखो वो लोग इतने ऊपर है वहां से हमारे ऊपर अटैक कर रहे हैं। ओके गाइस अभी ना मैं एल्बर्ट से जल्दी से पूछता हूँ कि हीरो ब्रायन और एंडर ब्रायन कहाँ पर है, क्या उन्हें पता भी है कि हम लोग इन्हें लेकर आ चुके हैं। भाई साहब लेकिन गाइस आपने प्लेन देखा पूरा टीएनटी से भरा हुआ है, कहीं गाइस ऐसा तो नहीं कि हीरो ब्रायन और एंडर ब्रायन अंदर ही है, और गाइस वो लोग हमारे दोस्तों को मतलब गाइस आपको तो याद ही होगा कैनी जिन वो लोग को निकाल रहे होंगे। लेकिन गाइस ऐसा नहीं हो सकता भाई साहब, और गाइस आप लोग ना इस प्लेन को देखो मतलब गाइस जो भी है एल्बर्ट क्या तुम्हें पता है हीरो ब्रायन और एंडर ब्रायन कहाँ पर है और तुम यहाँ पर क्यों बैठे हुए हो? भाई साहब गाइस वो तो कुछ बोल ही नहीं रहा, ऐसा लगता है गाइस उसे कुछ हो चुका है या फिर गाइस उससे ना कुछ ठीक नहीं लग रहा। पता नहीं गाइस हीरो ब्रायन और एंडर ब्रायन कहाँ पर होंगे। एक तो गाइस हीरो ब्रायन और एंडर ब्रायन ने एल्बर्ट को रखा था यहाँ पर, भाई साहब इसे कुछ पता ही नहीं लगता कि क्या चल रहा है हमारे साथ।
और गाइस अभी ये हमें बता भी नहीं पा रहा कि हीरो ओके, लेकिन एक मिनट, हीरो ब्रायन फाइनली, एक सेकेंड, क्या गाइस इसने टीएनटी एक्सप्लोड कर दिया भाई? और गाइस उनका बेस देखो पूरा डिस्ट्रॉय होने वाला है। और गाइस हीरो ब्रायन ना जैसे टीएनटी एक्सप्लोड करता है तभी गाइस उस बेस से भाग जाता है। और गाइस ऊपर देखो दो बंदे हैं, एंडर ब्रायन और हीरो ब्रायन, लेकिन गाइस ऐसा लगता है कि एंटिटी 303 और नल अभी तक भी उस बेस के अंदर है। लेकिन गाइस आप लोग नोट करो भाई साहब, मेरा पीसी ना पूरा रुकने लग गया, ये क्या चीज है? ओके ऐसा लगता है कि एनविल था भाई साहब, पता नहीं गाइस उस बेस से क्या क्या चीज नीचे गिर रही है। एक मिनट गाइस वो उस बेस को देखो भाई साहब, पूरी कम्प्लीटली मतलब गायब हो चुकी है। और गाइस ये पता नहीं वाटर कहाँ से लीक हो रहा है, और हीरो ब्रायन और एंडर ब्रायन ने कैसे भी कर एंटिटी 303 और नल को अंदर ही एक्सप्लोड कर दिया बेस के साथ। हीरो ब्रायन, एंडर ब्रायन, जल्दी से तुम लोग नीचे आ जाओ। पता नहीं गाइस वो लोग ऊपर खड़े होकर वहां पर क्या देख रहे हैं। ओके फाइनली हीरो ब्रायन तुमने कर दिया, क्या एंटिटी 303 और नल खत्म हो चुके हैं? पता नहीं गाइस अभी हीरो ब्रायन और एंडर ब्रायन, ओके गाइस एंडर ब्रायन भी अभी आ गया फाइनली, लेकिन हीरो ब्रायन, एंडर ब्रायन, क्या तुम लोगों ने हमारे दोस्तों को निकाल लिया था? एंडर ब्रायन यार कुछ तो बताओ। ओके लेकिन एक मिनट, हीरो ब्रायन क्या हुआ? ओके वो तो मुझे पता लग गया है गाइस, हीरो ब्रायन का कहना है कि एंटिटी 303 और नल उस बेस के अंदर ही मतलब गाइस टीएनटी के साथ ही साथ एक्सप्लोड हो गए हैं वो लोग भी, और गाइस ऐसा समझ लो कि वो लोग खत्म हो गए हैं। और गाइस यहां पर ना अभी कुछ ही देर बाद बहुत ही ज्यादा डार्क एनर्जी निकलने वाली है। हीरो ब्रायन का कहना है कि इसीलिए हमें ना यहां से जाना होगा जल्दी से जल्दी। लेकिन गाइस ये हीरो ब्रायन यहां पर क्या देख रहा था नीचे? पता नहीं भाई साहब, नल और एंटिटी 303 तो गए हमेशा हमेशा के लिए। और गाइस हाँ एक बहुत ही बड़ी, लेकिन ओके गाइस लगता है कि हीरो ब्रायन मुझे कुछ बोल रहा है। हीरो ब्रायन हाँ हमारे दोस्त कहाँ गए? ओके एक मिनट गाइस, हीरो ब्रायन का कहना है कि मेरे पीछा करो भाई साहब, वो लोग ना यहाँ पर है। लेकिन हीरो ब्रायन तुमने उसे कहाँ पर रखा है? एक सेकेंड भाई साहब, ये तो गाइस मुझे कोई ग्रेव टाइप कुछ लगती है। ओके गाइस लगता है कि हीरो ब्रायन ने ना सभी को मतलब गाइस इस ब्लॉक के नीचे दबा दिया है, और गाइस उनकी बॉडी तो बिल्कुल सेफ है। और गाइस बस अब ना हमें कोई ऐसा तरीका ढूंढना है जिससे गाइस हम लोग अपने दोस्तों को जिंदा कर सकिए, या फिर कर सकते भी है या फिर नहीं। हीरो ब्रायन को पता है भाई सब, ये तो एंडर ब्रायन। ओके भाई साहब पता नहीं ये इस तरीके पर क्यों खड़ा है, लेकिन एक मिनट गाइस ये क्या हुआ था अभी अभी भाई साहब? पता नहीं गाइस हम लोग यहाँ पर कैसे आ गए, और गाइस वो वाला वर्ल्ड कहाँ पर गया? हीरो ब्रायन, एंडर ब्रायन, ये हमारे साथ क्या हुआ है? एक मिनट क्या? तो ओके गाइस हीरो ब्रायन ने मुझे बताया है कि वो जो वर्ल्ड था ना जहाँ पर गाइस अभी हम लोग थोड़ी देर पहले थे गाइस, वो मतलब गाइस हमारा कोई पुराना वर्ल्ड नहीं था, बल्कि गाइस एंटिटी 303 का ना कोई मैजिकल वर्ल्ड था। लेकिन हीरो ब्रायन ओके, तो गाइस अभी हीरो ब्रायन का कहना है कि अभी ना एंडर ब्रायन हमारे दोस्तों की बॉडी इसको देखेगा, मतलब गाइस सबको एक एक बार देखेगा, और गाइस हमें बताएगा कि ये लोग ठीक हो सकते हैं या फिर नहीं। और गाइस एंडर ब्रायन के पास कोई ऐसी पावर है जिससे ना गाइस ये अपनी एंड शक्ति की मदद से चेक कर सकता है। ओके भाई साहब एंडर ब्रायन ने ना वहां पर अभी डिग कर देखा था, पता नहीं गाइस उस ग्रेव में कौन होगा। और हाँ गाइस जैसे ही एंटिटी 303 और नल खत्म होते हैं ना, तभी गाइस एंटिटी 303 का पूरा मैजिकल वर्ल्ड भी खत्म हो जाता है, जिससे कि गाइस हम लोग यहाँ पर टेलीपोर्ट होते हैं। लेकिन ओके तो गाइस अभी हीरो ब्रायन का कहना है कि तुम लोग मतलब गाइस एंटिटी 606 और मैं दोबारा से एक खतरनाक वाला मिशन करने वाले हैं। और गाइस इसीलिए हीरो ब्रायन का कहना है कि मतलब गाइस अभी आप लोगों ने तो देख ही होगा, जैसे ही एंडर ब्रायन ने चेक कर हीरो ब्रायन को कुछ बताया ना, तब गाइस हीरो ब्रायन ने मुझे बताया कि एंडर ब्रायन का कहना है कि ये लोग ठीक तो हो सकते हैं, बस हमें ना एक बंदे को यहाँ पर लेकर आना होगा जो कि इनकी सोल्स को मतलब गाइस इनकी बॉडी में सोल नहीं है, इसीलिए गाइस उनकी सोल्स को ना यहाँ पर बुलाएगा। ओके गाइस वो लोग तो गए उस बंदे को लेने के लिए, जब तक के लिए गाइस एंटिटी 606 के साथ मैं जा रहा हूँ। गाइस आप लोग ना शॉक हो जाओगी, क्योंकि गाइस हमें ना दो दो ड्रैगन के ब्लड चाहिए जिसकी मदद से गाइस हमारे दोस्त ठीक हो सकेंगे, वरना गाइस और कोई भी तरीका नहीं है। इसीलिए गाइस एंडर ब्रायन और हीरो ब्रायन का कहना है कि तुम लोग जल्दी से जल्दी आना, क्योंकि गाइस वो लोग ना उस बंदे को लेकर भी पहुंच ही जाएंगे जल्दी। मगर गाइस मैं तो ये सोच रहा हूँ कि हम लोग दूसरा ड्रैगन कैसे स्पॉन करेंगे, क्या गाइस एंटिटी 606 के पास वो आइटम होगा जिससे गाइस
दो ड्रैगन स्पॉन हो सकते हैं भाई, सब देखना पड़ेगा। और गाइस एंड वर्ल्ड पर ना हम लोग पता नहीं कितने ज्यादा दिनों बाद जाएंगी, लेकिन गाइस एक बात तो साफ है कि हमारे दोस्त ठीक हो सकते हैं, इसकी थोड़ी उम्मीद तो है। लेकिन गाइस मैं ये नहीं बोल सकता कि पूरी उम्मीद है, क्योंकि गाइस हीरो ब्राइड ने मुझे नहीं बताया। लेकिन भाई सब ये कैसी विलेज है, और गाइस यहाँ पर पता नहीं क्या क्या हो रहा है। भाई सब ये कौन सा ज़ॉम्बी है, लेकिन एक मिनट NDD606 पीछे हटो, लेकिन ये ऐसा नहीं हो सकता। तो ओके गाइस अभी NDD606 पता नहीं गाइस मुझे कहाँ पर लेकर आ गया, और गाइस मुझे नहीं पता कि इसे एंड पोर्टल का रास्ता पता भी है या फिर नहीं। NDD606 एक मिनट रुको भाई सब, तुम हमें कहाँ पर लेकर जा रहे हो, क्या तुम्हें एंड पोर्टल का पता भी है? ओके लेकिन ओके गाइस तो NDD606 का कहना है कि उसे एक एंड पोर्टल को तो पता है जहाँ पर वो पहले भी गया हुआ है, लेकिन गाइस फिर भी NDD606 का कहना है कि तुम इस आई को यूज कर देख लो। ओके गाइस अभी मैं इसे यूज करता हूँ, लेकिन एक मिनट भाई सब ये तो उसी रास्ते जा रही है जहाँ पर NDT606 हमें लेकर जा रहा था, मतलब गाइस वो हमें सही रास्ते लेकर जा रहा था। भाई सब पता नहीं NDT606 को उस एंड पोर्टल कैसे पता लगा, और गाइस ये कब गया था अकेले। और गाइस मुझे एक बात की समझ में नहीं आ रही कि हीरो ब्रायन और गाइस एंडर ब्रायन भाई सब किस बंदे को लेने गए हैं जो कि गाइस हमारे दोस्तों को ठीक कर देंगे। लेकिन गाइस आपको क्या लगता है कि हमारे सारे दोस्त ठीक हो पाएंगे या फिर नहीं? और गाइस हाँ, इस वर्ल्ड पर तो हमें इतना टाइम भी नहीं हुआ, तो गाइस कैसे हीरो ब्रायन और एंडर ब्रायन को एक बंदे के बारे में पता है जो कि गाइस हमारे दोस्तों को ठीक कर पाएंगे? लेकिन गाइस एक बहुत ही बढ़िया वाली बात हो गई है, जो कि गाइस नल और NDT303 गाइस वो लोग हमेशा के लिए अब खत्म हो चुके हैं। फाइनली गाइस इतने देर बाद NDT606 और मैंने गाइस आखिरकार एंड पोर्टल मतलब गाइस स्ट्रॉन्ग होल्ड को फाइंड कर लिया। और गाइस अभी ना हम लोग जा रहे हैं वही पोर्टल वाले रूम में, भाई साहब NDT606 को ना पता लग गया उसने अपनी पावर यूज की थी, लेकिन 606 यहाँ पर तो एक भी एंड्रॉइड नहीं लगी हुई, और ऐसा लगता है कि मेरे पास कुछ कम है। ओके एक मिनट गाइस NDT606 ने मुझे एंड्रॉइड दिया है भाई साहब इतनी ज्यादा। और गाइस आपको तो पता ही है कि क्यों हम लोग एंड पर जा रहे हैं, गाइस हमें ना दो ड्रैगन के एग चाहिए, और गाइस NDT606 कैसे भी कर दूसरा ड्रैगन स्पॉन तो कर लेगा। ओके भाई साहब ये पोर्टल ओपन हो गया, और गाइस देखो कितना ज्यादा खतरनाक लग रहा है। ओके NDT606 तुम जाओ, उसके बाद मैं आता हूँ। ओके भाई साहब ये तो गया, और गाइस अब ना मैं इस पोर्टल के अंदर जाता हूँ, बस गाइस कुछ ऐसा वैसा ना हो ना एंड वर्ल्ड पर जिससे गाइस। तो ओके गाइस फाइनली अभी मैं NDT606 के साथ एंड वर्ल्ड पर भी आ चुका हूँ, और गाइस वहां पर देखो भाई साहब ड्रैगन तो उड़ रहा है अभी तक भी, लेकिन ओके भाई साहब ये ज्यादा देर तक नहीं उड़ पाएगा क्योंकि गाइस NDT606 यहाँ पर आ चुका है। ओके एक मिनट तो गाइस NDT606 का कहना है कि तुमको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस तुम यहाँ पर खड़े होकर देखते जाओ मैं करता क्या हूँ ड्रैगन के साथ भाई साहब। और गाइस हाँ मेरे पास तो कुछ है भी नहीं जिससे मैं ड्रैगन को मार सकूंगा, बस गाइस एक स्वर्ड है, अगर तो वो नीचे आता है ना तब गाइस मैं भी उस पर अटैक कर दूंगा। लेकिन गाइस NDT606 को देखो अपनी पावर की मदद से कितने जल्दी जल्दी भाई सब एंड क्रिस्टल तोड़ रहा है वो। और गाइस हाँ एंडर ड्रैगन ना मुझे नहीं लगता कि ज्यादा देर टिकने वाला है 606 के सामने, और गाइस उसकी शक्ति तो NDT606 पर काम भी नहीं करेगी। भाई सब ये मेरे ऊपर अटैक कर रहा है, और गाइस ऐसा लगता है कि इसे पता लग चुका है कि NDT606 का तो वो कुछ कर नहीं सकता, इसीलिए गाइस ये मेरे ऊपर अटैक कर रहा है अभी भी। भाई कितना ज्यादा डरपोक है।
और ओके गाइस एंटिटी 606 ने उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया। 606 इसे अपनी स्वॉर्ड से मारो। लेकिन एक मिनट गाइस एंटिटी 606 की स्वॉर्ड तो मतलब गाइस एंडर ड्रैगन पर हिट ही नहीं हो रही। पता नहीं गाइस ये कौन सा ग्लिच है या फिर गाइस यहां पर ऐसा ही होता है, क्योंकि गाइस एंटिटी 606 की मुझे लगता है कि स्वॉर्ड ना यहां पर काम नहीं कर रही। ओके गाइस ये अपनी फायरबॉल तो फेंक रहा है, मतलब गाइस ये पता नहीं क्या चीज है जिससे गाइस एंडर ड्रैगन को अच्छा खासा डैमेज मिल जा रहा है। एंटिटी 606 एक काम करो, हम लोग यहाँ पर रुक जाते हैं क्योंकि वो नीचे तो आएगा ही, और हम लोग जैसे वो नीचे आएगा ना अटैक कर देंगे उसके ऊपर। लेकिन गाइज मुझे समझ में नहीं आ रही कि एंटिटी 606 मतलब गाइज ये ड्रैगन का ब्लड कैसे कलेक्ट करेगा, क्योंकि गाइज जब वो मरता है ना तब वो गायब हो जाता है। भाई सब देखना पड़ेगा अभी एंटिटी 606 क्या करने वाला है इस ड्रैगन के साथ। ओके गाइस ऐसा लगता है कि वो दोबारा से नीचे आ रहा है 606 रेडी रहना इसे मारने के लिए, क्योंकि अगर तो ये हमारे साथ सब। लेकिन एक मिनट गाइस ने तो मुझे उड़ाकर फेंक दिया, मगर गाइस वो 606 को कुछ भी नहीं कर पा रहा। अबे डरपोक मुझे क्यों मारता है। गाइस एंटिटी 606 ना अब तो इसे नहीं छोड़ने वाला, और गाइस हां अब तो हमें कंफर्म हो गया है कि एंड वर्ल्ड पर 606 की स्वॉर्ड मतलब गाइस काम नहीं कर रही। ऐसा लगता है गाइस एंड वर्ल्ड पर ना 606 की कोई भी मतलब गाइस स्वॉर्ड या फिर कोई टूल वगैरह काम नहीं कर पाएगा। और गाइस एंटिटी 606 को देखो अपनी फायरबॉल वाली पावर से ना उसे भाई सब अच्छा खासा डैमेज दे रहा है। लेकिन एक सेकेंड गाइस वो तो मर गया। फाइनली गाइस एंटिटी 606 ने अपनी फायरबॉल की मदद से ना उसे हिट करते करते जान से मार दिया। ठीक गाइस अभी ना ये गायब होने वाला है, लेकिन एंटिटी 606 इसका ब्लड जल्दी से कलेक्ट कर लो इससे पहले कि ये गायब हो जाए। और गाइस हाँ अगर आप लोगों ने अभी तक भी लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया गाइस जल्दी से करो भाई, तो फिर कर रहे क्या हो। और गाइस हाँ कमेंट में भी बताना कि ये, लेकिन ओके एक मिनट गाइस एंटिटी 606 वो क्या चीज है। क्या गाइस एंडर ड्रैगन अपना ब्लड कब से ड्रॉप करने लग गया। एंटिटी 606 ये क्या हो रहा है भाई साहब, ये तो मैं पहली बार देख रहा हूँ क्या। ओके तो गाइस एंटिटी 606 ने मुझे बताया है कि ना गाइस एंटिटी 606 ने ना जब मतलब गाइस वो एंडर ड्रैगन के साथ आसमान में लड़ रहा था, तब गाइस एंटिटी 606 ने मुझे बताया कि ना मैंने अपनी फायरबॉल की मदद से गाइस मतलब एंडर ड्रैगन का खून निकाल दिया था, और उसके बाद गाइस उसने उस बकेट पर कलेक्ट कर लिया। लेकिन गाइस वो बकेट एंडर ड्रैगन के पास ही रह गई थी। लेकिन ओके गाइस अभी ना मैं दूसरा ड्रैगन स्पॉन करने लगा हूं, और गाइस ये एंड क्रिस्टल मुझे एंटिटी 606 ने दिया है भाई। ओके गाइस लेकिन पता नहीं अभी यहाँ पर कौन सा रिचुअल हो रहा है, और गाइस अभी एंडर ड्रैगन भी स्पॉन होता ही होगा। एंटिटी 606 यार ये तो दोबारा से रिपेयर हो रहा है, तुम जल्दी से कुछ करो ताकि वो एंडर ड्रैगन इतना ज्यादा पावरफुल ना हो सके। एक मिनट गाइस वहां पर देखो एंडर ड्रैगन आ चुका है, और गाइस एंटिटी 606 वो डिस्ट्रॉय भी करने लग गया। और गाइस अभी हमारा दोस्त एल्बर्ट अभी तक भी गाइस उन सारे दोस्तों की मतलब गाइस प्रोटेक्शन कर रहा है जो कि गाइस मर चुके हैं। लेकिन ओके गाइस एंटिटी 606 ने एंडर ड्रैगन की मतलब गाइस सारे एंड क्रिस्टल को तबाह कर दिया, और गाइस अब ना उसको छोड़ ही नहीं रहा भाई सब, उसके ऊपर अटैक कर रहा है, और गाइस अभी से हेल्थ इतनी ज्यादा कम हो गई। ओके गाइस फाइनली दूसरा वाला ड्रैगन तो बहुत ही जल्दी मरने वाला है, और गाइस आपने कुछ नोटिस किया सब एंडर ड्रैगन का एग भी है। ओके फाइनली गाइस ये मर चुका, और गाइस मुझे नहीं पता कि एंडर ड्रैगन का एग डबल होगा या फिर गाइस वो एक ही रहने वाला है। कि भाई सब ये कहां पर जा रहा है, मर तो गया एंटिटी 606 क्या हुआ क्या। ओके तो गाइस अभी एंटिटी 606 का कहना है कि इस बार मैंने ना आसमान में ही एंडर ड्रैगन का मतलब गाइस ब्लड कलेक्ट कर लिया था बकेट में, और गाइस इसीलिए वो अभी से ही लेकर आ गया। ओके गाइस फाइनली एंटिटी 606 ने मुझे एंडर ड्रैगन की बकेट मतलब गाइस ब्लड की बकेट दोनों की दोनों दे दी। लेकिन गाइस अभी ना हमें जल्दी से उस पोर्टल पर जाना होगा, क्योंकि हीरो ब्रायन और एंडर ब्रायन हमारा इंतजार कर रहे होंगे। एंटिटी 606 क्या हमें इस पोर्टल जाना है भाई सब, ये तो पहले ही चला गया। ओके गाइस मैं भी इसके पीछे आता हूँ। तो ओके गाइस फाइनली अभी एंटिटी 606 और मैं अपने ओवरवर्ल्ड वापस आ गए, और गाइस एंडर ड्रैगन की बकेट जो है ना वो भी मतलब गाइस हमारे पास है उसकी ब्लड की बकेट। बस गाइस अभी ना हमें कैसे भी कर हीरो ब्रैंड और एंडर ब्रैंड तक पहुंचना है। लेकिन गाइस मुझे ऐसा लगता है कि एंटिटी 606 ना वहां का रास्ता भूल चुका है, मगर गाइस फिर भी इसे याद तो आ ही जाएगा, क्योंकि गाइस ये एक एंटिटी है, और गाइस ये लोग तो भाई सब पता नहीं कितने ज्यादा पावरफुल होते हैं ना। ओके गाइस अभी हमें जल्दी से जल्दी जाना होगा। लेकिन गाइस आपको क्या लगता है, क्या हमारे दोस्त जिंदा हो पाएंगे, कमेंट में बताना। और गाइस पता नहीं अगर हीरो ब्रेन एंडर ब्रेन को ना बुलाता, और गाइस वो लोग प्लानिंग नहीं बनाते भाई सब, पता नहीं एंटिटी 303 और नल मिलकर गाइस आगे क्या क्या करने वाले थे, क्योंकि गाइस उन्होंने ना पहले ही पता नहीं जीरो ब्रेन के साथ क्या किया था, और गाइस वो भी उनके साथ मिल गया था, और गाइस उसके अंदर ना भाई सब मुझे नहीं पता कैसे मगर गाइस सोल आ चुकी थी, और गाइस वो उनके साथ चल भी रहा था। पता नहीं गाइस वो लोग कौन सा रिचुअल कर रहे थे जो कि जीरो ब्रेन भी कर रहा था,
और गाइस हाँ, हमें ना नहीं पता कि हीरो ब्राइन टिकट